अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको मतलब तो पता ही है, किसी भी एटम के लास्ट सेल में से लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो अगर आप इसमें फर्स्ट ट्रांस सीरीज पढ़ोगी, डीप लोक में फर्स्ट ट्रांस सीरीज को जब आप स्टडी करोगे तो आप देखो इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी का। आप देखोगे, देखो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या दिखा रहा है कि ये, बट कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, एक रेगुलर ऑर्डर नहीं है, या तो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अब ये कह सकते हैं इसमें इरेगुलर पैटर्न होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड होता है कि जो लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जो एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब आपको पता है इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉन कन्वर्शन होती है N-1 4s2, तो मतलब इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी वो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में और इसके यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में डिपेंड करेगी। भाई आप ये कह सकते हो कि अगर कोई एलिमेंट हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। कोई एलिमेंट मतलब उसमें लास्ट इलेक्ट्रो सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। मतलब डिपेंड करता है कि उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, वहां पर हाफ फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी। वैसे देखा जाए तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती है, कम होती है। पर जो सारा पैटर्न वो डिपेंड करता है कि जो लास्ट सेल है वो हाफ फील्ड है फुल फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां पर न्यूक्लियर चार्ज भी मेन फैक्टर जो डिपेंड करेगा। देखो वैसे तो आयनाइज एनर्जी पे कई फैक्टर डिपेंड करता है, साइज एटम का साइज भी दूसरा फैक्टर, देखोगे तो उसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड पुअर सिग्निंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज तो है ही, ये भी इन पर डिपेंड करता है। तो जैसे आप देखोगे मैग्नीज है यहाँ पर और जिंक है, इनकी आयनाइज एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी रूल के एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक पैटर्न से अलग इनके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है और ये फुल फील्ड होता है। जहां पर हाफ फील्ड हो जाता है वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, जहां पर फुल फील्ड हो जाता है वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, और जहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब खुद समझो, हम किसी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और उसको एनर्जी दे रहे हैं, अगर किसी भी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा तो वहां से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर? तो ये पॉइंट नोट करना। पर दूसरा डिपेंड करता है, जैसे हमारे पास इसमें बाकी और भी सीरीज होती है 3D 4D 5D 6D, ये भी सीरीज होती है, तो हमें डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइज एनर्जी क्या होगी, जनरल डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर पॉइंट कई बार आ जाता है कि हमारे पास तीन टाइप की आयनाइज एनर्जी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइज एनर्जी क्या होती है, जब कोई भी एटम है उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऐसे तीन, जब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइज एनर्जी, जब उसके उसके नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे सेकंड आयनाइज एनर्जी, उसके नेक्स्ट वाला निकालेंगे तो उसके लिए आई आई एफ आई थर्ड एनर्जी हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालोगे वहां पर आयनाइज एनर्जी चेंज होती रहेगी। अब ये सारी आयनाइज एनर्जी डिपेंड करेगी उसके इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट ऑफ स्टेट पे, उसके इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट ऑफ स्टेट पे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाए, भाई जो कॉपर है जिंक है, तो मैं बात करूं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आप देखोगे फर्स्ट आयनाइज एनर्जी इसकी ज्यादा होती है और इसकी कम होती है, देख लो यहाँ पर, क्योंकि इस केस में क्या होता है इसमें 3D10 होता है, तो स्टेबिलिटी के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा एनर्जी, सॉरी यहाँ पर होता है 4s2, तो यहां से स्टेबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बट इस केस में देखोगे 3D क्या होता है 10 और 4s1, इसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है तो इजिली यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसमें एनर्जी कम लगेगी, इसमें 2 है फुल फील्ड है। बट नेक्स्ट केस में देखोगे आई सेकंड, इस केस में इसकी आयनाइज एनर्जी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया तो यहां पर क्या बचा 10, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा 10 4s1,
तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को हम बहुत इजिली रिमूव कर लेंगे, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट नेक्स्ट केस देखे आयनाइज एनर्जी थर्ड, तो आप देखो इसमें क्या हो जाएगा 3D9 और इसमें क्या हो जाएगा 3D10। तो इस केस में इसकी थर्ड आयनाइज एनर्जी क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो आयनाइज एनर्जी है वो डिपेंड करती है इनकी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, एटॉमिक साइज पे। हम सबके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं आयनाइज एनर्जी क्या आएगी, कैसे हम वो करेंगे। आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी, बट इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको थोड़ा सोच समझ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आंसर देना है। वैसे तो इसका कोई पैटर्न नहीं, इरेगुलर पैटर्न होता है, क्लियर।